नमस्कार। दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों के लिए आज के वीडियो में जानकारी है कि सुरक्षित अन्न भंडारण कैसे करें, उसमें समस्या क्या है, आप उपाय क्या कर सकते हैं और प्रबंधन भी आप उनका कैसे कर सकते हैं समस्याओं का। लेकिन यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका धन्यवाद, और नहीं किया तो भी धन्यवाद, लेकिन कृपा करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं, तो प्लीज आप पूरा देखिए और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई कमी रहती है तो मैं लेख का URL नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में पढ़ के भी अच्छे तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए जानते हैं कि सुरक्षित अन्न भंडारण किसान भाई कैसे करें। अन्न उत्पादक में भारत एक अग्रणीय देश है। हरित क्रांति के पश्चात आई उत्पादन वृद्धि की बाढ़ ने हमें न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनाया अपितु निर्यात के क्षेत्र में भी हमें अद्वितीय पहचान दिलाई है। इतना प्रगतिशील होने के पश्चात भी हमारे देश में अधिकांश अन्न का सुरक्षित भंडारण एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अनाज का भंडारण भारत का किसान सदियों से करता चला आ रहा है, किंतु फिर भी लाखों टन अनाज हर वर्ष खराब हो जाता है। सुरक्षित अन्न भंडारण की प्रक्रिया कटाई के साथ ही शुरू हो जाती है, क्योंकि कटाई के लिए उपयोग में लाए गए यंत्र वातावरण की परिस्थितियों आर्द्रता और तापमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्न के सुरक्षित भंडारण में अहम भूमिका निभाते हैं। भंडारण की सुरक्षा और गुणवत्ता को हानि पहुंचाने वाले कारकों में सबसे प्रमुख है कीड़ों का प्रकोप। ये कीड़े बीज एवं मिट्टी के अतिरिक्त गहराई या ढलाई में प्रयुक्त यंत्रों द्वारा ही भंडारण तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में सुरक्षित अन्न भंडारण हेतु ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं किसान भाइयों के लिए, जिनको उपयोग में ला गए आप इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सुरक्षित अन्न भंडारण के लाभ। नंबर एक, सुरक्षित अन्न भंडारण से किसान को पैदावार का पूरा लाभ मिलता है। नंबर दो, सुरक्षित अन्न भंडारण करने से परिवार के लिए स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त अनाज उपलब्ध होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कीड़ा लगा अनाज कई प्रकार की बीमारियां फैलाता है, जैसे त्वचा से संबंधित एलर्जी, अपच और अतिसार, यानी स्वास्थ्य स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाते हैं। सुरक्षित प्रकार से अन्न भंडारण करने पर किसान अपना बीज स्वयं तैयार कर सकता है। इस प्रकार उसे आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि उससे बाजार में जब बुआई के लिए बीज लेना होता है तो वहां पे बहुत अधिक भाव मिलते हैं। तो किसान भाई सुरक्षित अन्न भंडारण करके उससे भी बच सकते हैं। नंबर चार, यदि किसान अपने उत्पाद को मंडी में बेचना चाहता है तो स्वस्थ फसल का भाव भी उससे अच्छा मिलता है। नंबर पांच, अनाज में कीड़ों का प्रकोप हो जाने पर किसान का कार्य बहुत बढ़ जाता है। अन्न को साफ करने में, कीड़ों से बचाने में किसान को अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर इस कार्य में लगना पड़ता है एवं दोगुना श्रम करने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षित अन्न भंडारण का तरीका अपनाया जाए। अब बात आती है अनाज में संक्रमण होने के कारण क्या है। क्या आपके अनाज को कीड़े मकोड़े अपने आकार में कैसे ले लेते हैं ये जाने। अनाज में संक्रमण व खराब होने के चार प्रमुख कारण होते हैं, जैसे नमी, कीट, चूहे तथा भंडारण के पत्थर या बोरे। नमी, अनाज के अंदर की नमी तथा वातावरण की नमी दोनों की अधिकता अनाज को खराब कर सकती है। ज्यादा नमी होने से अनाज में कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि नमी में कीट और फफूंद की वृद्धि आसानी से होती है। नमी से अनाज गल या सड़ जाता है या अंकुरित हो जाता है। नमी के कारण अनाज के दाने जुड़ भी सकते हैं। इन सब कारणों से अनाज की गुणवत्ता भ्रष्ट हो जाती है तथा संक्रमित अनाज खाने योग्य नहीं रहता है। नंबर दो, कीट। अनाज पर पलने वाले कीट खेत में ही अपना अनाजों के दानों पर अंडे देना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों की लटिया इल्ली निकलकर अनाज को खाने लगती हैं। कीड़े अनाज के भंडारण में अनाज के साथ रहने लगते हैं एवं अनाज को धीरे धीरे अंदर बाहर से खाकर खोखला कर देते हैं। ऐसा अनाज बोने तथा खाने लायक नहीं रहता है।
इसलिए अनाज की कटाई से पहले ही सावधानियां रखनी शुरू कर देनी चाहिए किसान भाइयों को। फिर चूहे, चूहे मनुष्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य सामग्री को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये खड़ी फसल व भंडारित अनाज को जितना खाते हैं उससे 10 गुना बर्बाद करते हैं। चूहे के मूल मल मूत्र और बाल अनाज से मिल जाने से अनाज खराब हो जाता है, इसलिए चूहा नियंत्रण अनाज भंडारण का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद भंडारण के पात्र, बोरे या अन्य स्रोत, यदि भंडारण में प्रयोग होने वाले पत्थर में दरारें हैं तो उनमें कीड़े अंडे देते हैं जिससे नए कीड़ों का प्रकोप शुरू हो जाता है। यदि पुराने बोरे को प्रयोग में किया जाता है उसे भी कीड़े या अंडे हो सकते हैं। अब अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, इनके बारे में किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए। अनाज में लगने वाले 4 मुख्य कीट हैं, चावल का घुंग, गेहूं का कतरा, दालों का घुंग और आटे की सुंडी। इन कीटों से प्रभावित होने वाले अनाज इस प्रकार हैं, जैसे चावल का घुंग, चावल के घुंग से प्रभावित होने वाले अनाज हैं चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार आदि। गेहूं का कतरा, इससे प्रभावित होने वाले हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। दालों का भ्रंग, इससे प्रभावित होने वाले हैं अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मोठ, चावल आदि। और आटे की सुंडी, इससे प्रभावित होने वाले हैं गेहूं, मक्का, चावल, जो जवार, आटा, सूजी, मैदा आदि। तो इनसे किसान भाई कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए आपको सुरक्षित भंडारण करना होगा, अपने अनाज को सुरक्षित रखना होगा। उसके लिए आप क्या करें उसके बारे में हम बताते हैं। अनाज का सुरक्षित भंडारण आप कैसे करें। सुरक्षित अनाज भंडारण से होने वाले लाभ को देखते हुए सुरक्षित अनाज भंडारण आवश्यक है, जो आप इस प्रकार कर सकते हैं। अनाज की सफाई, अनाज की कटाई के साथ ही उसके सुरक्षित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार इत्यादि से सीधे और बालियां जिस बोरे में भर कर रखने हो उस बोरे को पहले से ही 1% मैलाथियन के घोल से 10 मिनट भिगो कर अच्छी तरह से सुखाए। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सूखने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। काटे हुए अनाज को सीधे जमीन पर न रखें, इससे कीड़े तथा नमी दोनों से अनाज प्रभावित होगा। अनाज लगाने वाली गाड़ी ट्रॉली को अनाज रखने से पहले धोकर सुखा लेना चाहिए। अनाज खेत से लाकर घर में कड़ी धूप में सुखाना चाहिए। सुखाते समय प्लास्टिक का मोम जमा कागज में ले, जो कि भले ही बातें कीटनाशकों से उच्चारित होना चाहिए। भंडारण से पहले अनाज को साफ करें, उसमें भूसी, कटा पटा अनाज, संक्रमित अनाज, कंकर इत्यादि निकाल दें। अनाज को करीब 15 से 20 दिन सुखाना आवश्यक है। सुखाने के पश्चात पहचान होती है कि यदि दाने को दांत के नीचे बीच में रख कर काटा जाए तो कट की आवाज आए। सूखे हुए अनाज को शाम के समय कोठे में न भरें। सूखे अनाज को पूरी रात खुली हवा में ठंडा होने दें तथा सुबह उसे कोठे में भरें। इस प्रकार सूखे हुए अनाज में 3 से 4% नमी रह जाती है, जो कि भंडारण के योग्य है। कोठी, भंडार गृह की सफाई, भंडार गृह में छत, फरश, खिड़कियां एवं और दरवाजे प्रमुख होते हैं। सुरक्षित अन्न भंडारण हेतु फरश में कहीं पर भी दरारें हों तो उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। जहां पर फरश व दीवारें मिलते हैं उस जगह पर अच्छी तरह से भराई करनी चाहिए। दीवारें यदि सीमेंट की हों तो उत्तम होगा। दीवारों में दरारें, पकड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मैलाथियन का घोल बनाकर 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद गोदाम को अच्छी तरह से सूखने देना चाहिए। सुरक्षित अन्न भंडारण के लिए दरवाजों के नीचे की तरफ लोहे या एल्यूमिनियम की पत्तियां लगा देनी चाहिए ताकि चूहों से बचाव हो सके। जहां तक संभव हो एक पल्ले का दरवाजा रखे। खिड़कियां बाहर खुलने वाली हों और ऊंचाई पर हो। खिड़कियों पर महीन जाली होनी चाहिए। बोरों की सफाई, अनाज को जूट के बोरे कट्टों में भी संग्रह कर सकते हैं। जहां तक संभव हो नए बोरे का प्रयोग करें। अगर पुराने बोरे हैं तो उन्हें 1% मैलाथियन के घोल में 1/2 घंटे भिगोएं तथा कड़ी धूप में 2 से 3 दिन तक उलट पलट कर सुखा लें। यह काम गर्मी के मौसम में कर ले तो अच्छा रहेगा। यदि बोरे कहीं से फटे हैं तो उन्हें सिल आ लें और अनाज भरने के बाद बोरे का मुंह अच्छी तरह से सील दें।
उसके बाद है चूहा नियंत्रण, जो सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, वो सबसे अधिक अनाज को खराब करता है। सुरक्षित भंडारण हेतु चूहा नियंत्रण पूरे घर और आसपास के क्षेत्रों में मई से जून माह में करना चाहिए। इस समय खेत में अन्य कोई खाद्य नहीं होता है, इसलिए चूहा भी आहार आसानी से खा लेता है। चूहों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3% जिंक फॉस्फाइड उपयुक्त माना गया है। विष आहार देने से पूर्व 2 से 3 दिन तक बिना जहर वाला चूगा चूहों को देना चाहिए, ताकि चूहे की नई वस्तुएं स्वीकार करने की संकालु आदत कम की जा सके। विष आहार बनाने के लिए बाजरे या किसी अन्य अनाज में हल्का सा मूंगफली का तेल लगा लें। इसके बाद 1 किलो बाजरे में 20 से 30 ग्राम जिंक फॉस्फाइड पाउडर डालकर एक लकड़ी से अच्छी तरह से हिला लें। आहार बनाते समय बच्चों को दूर रखें। बनाने वाला व्यक्ति अपने मुंह पर कोई कपड़ा बांध ले। अब इस आहार को खेत में उन बिलों में डालें जहां चूहों की आवाजाही हो। सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए भंडार घरों में दीवारों के किनारे किनारे डाल दें। अगले दिन सुबह बचे हुए अनाज के दानों को अच्छी तरह से इकट्ठा करके नष्ट कर दें। आवासीय जगहों के लिए एंटी कोवलेंट क्रांति के नियंत्रण दवाई जो कि कम जहरीली है, जैसे ब्रोमोडाइलोन का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य विशेषज्ञों की सहायता से ही करना चाहिए। अब बात आती है कीट नियंत्रण की, जो अंदर रह के ही उसको खाते हैं। कीट नियंत्रण सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु कीट नियंत्रण 2 स्तर पर किया जाता है, बचाव के लिए तथा कीटों का प्रकोप होने के बाद। बचाव कीट नियंत्रण की मुख्य आवश्यकता है, जैसे 1 EDB M3 30 मिलीलीटर प्रति मेट्रिक टन अनाज के लिए, 2 सल्फोस यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को 3 ग्राम की 1 गोली प्रति मेट्रिक टन अनाज के लिए डालें, या फिर 7 गोलियां 2 ग्राम प्रति 22 घन मीटर स्थान की दर से कैमरे के घूमन करने के लिए डाल सकते हैं आप। 3, कीटों का आक्रमण होने पर 3 मिलीलीटर की 1 EDB M3 प्रति क्विंटल अनाज की दर से कोठे में डालें। ईडीबी को कभी खुले में न डालें, यह जानलेवा हो सकता है। भंडारण यानी सुरक्षित भंडारण। सुरक्षित भंडारण के लिए अनाज से भरे हुए बोरे परस्पर सीधे न रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे पर इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवारों से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। बोरों को एक ही दिशा में न रखें। एक के ऊपर एक रखने के लिए एक बोरा लंबवत रखें और दूसरा बोरा ऊर्ध्वत रखें, यानी कि प्लस का निशान बनाते हुए एक के ऊपर दूसरा रखें। इससे बोरों के बीच में हवा आराम से जाएगी। ज्यादा ऊंचाई थड़ियां न बनाए। 6 से 2 फीट नीचे थड़ियां समाप्त कर दें। यदि कोठे में अनाज भर रहे हैं तो उपचारित कोठी में अनाज भरकर ढक्कन बंद करके वायुरोधक लेप मिट्टी या मोम लगा दें। अनाज जिस कमरे में रखा हो उसमें घरेलू सामान रखना, उठाना, सोना, खाना इत्यादि न करें। इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से सुरक्षित भंडारण करने पर अन्न सुरक्षा से उपज का पूरा लाभ किसान भाई ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के विष का उपयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक व विशेष देख रेख में करना चाहिए, ये सबसे जरूरी है या किसी किया जाना चाहिए। विष के पैकेट पर लिखे निर्देशों को आप भली भांति पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ना आपके लिए जरूरी भी है। परंपरागत तकनीकी। कुछ परंपरागत तकनीकी ज्ञान से सुरक्षित अन्न भंडारण में बहुत उपयोगी होता है, जैसे अनाज एवं दालों को कड़वा तेल लगाना, राख मिलाना, नीम व करंज के पत्ते कोठे में बिछाना आदि। अनुसंधान द्वारा यह पाया गया है कि परंपरागत तरीके से अनाज एवं दालों में 10 से 20% तक राख मिलाने से वो खराब नहीं होते हैं। पर आवश्यक है कि राख को छान व सुखा कर ही उसमें डालें। राख की रगड़ खाकर कीड़े मर जाते हैं तथा दानों के बीच में जगह जहां हवा हो सकती है वहां राख आ जाने से हवा नहीं रहती। इस प्रकार राख मिलाना भी एक लाभप्रद उपाय किसान भाइयों के लिए हो सकता है। तो सुरक्षित भंडारण के इस अनाज सुरक्षित भंडारण के इस विषय वीडियो में इतना ही। आशा आपको जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपको वीडियो में उपलब्ध जानकारी अच्छी लगे तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है। तो और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में दिखाई देने वाले घंटी के आइकॉन को दबाना मत भूलिए। और यदि आपको किसी तरह की वीडियो में शंका है तो आप हमारी वेबसाइट dainikjagriti.com पे भी आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका URL हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से क्लिक करके आप इस लेख को पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद।